सो वेलकम टू माई YouTube चैनल। स्वागत करता हूँ आपका एक और ही नए मज़ेदार वीडियो में, जो कि होने वाला है सिंगापुर एयरपोर्ट का वॉक टूर। और उसके साथ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि सिंगापुर के टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट, जो वैलिड होना चाहिए 6 मंथ के लिए, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट। जो आपका बैंक स्टेटमेंट है वो आपको प्रिंट आउट निकाल के बैंक में जाना पड़ेगा, साइन एंड स्टैम्प करवाना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो 3 महीने का सैलरी स्लिप, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो GST का सर्टिफिकेट और बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद ज़रूरत पड़ने वाला है आपको कवर लेटर का, जिसमें मेंशन करना है आपका इंटेंशन और आपका एंट्री डेट एंड एग्जिट डेट, आप कब आ रहे हो और आप कब जा रहे हो सिंगापुर से, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका होटल बुकिंग, आपने कौन सा होटल वहाँ पे रहने वाले हो या तो फिर हॉस्टल में रहने वाले हो, तो होटल बुकिंग के लिए आप अगोड़ा या तो फिर booking.com दोनों से भी बुक कर सकते हैं। और यस, आप पेड होटल भी कर सकते हैं। उसके बाद होने वाला है आपका रिटर्न टिकट, आपका आने का रिटर्न टिकट भी कन्फर्म रिटर्न टिकट होने चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको देने हैं, जो उसका लेंथ एंड विड्थ है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। याद रहे बिफ़ोर 72 आवर्स, यानी कि 3 दिन पहले जब भी आप फ्लाई करते हो आपको एक SG अराइवल कार्ड है जो आपको अप्लाई करना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भरना है, आपका फ़्लाइट का, आने का फ़्लाइट और जाने का फ़्लाइट का दोनों का इन्फॉर्मेशन रहेगा। आपको मेंशन करना है आप कहाँ पे रुकने वाले हो, हॉस्टल का एड्रेस या तो फिर होटल का एड्रेस। ये अट्रैक्शन है शांगी एयरपोर्ट पे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बस ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए द यूनिवर्स बॉय।